अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खादिम इमरान साबरी और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि दरगाह साबिर पाक में जुमा के दिन वो कौन सा वक्त है जिस वक्त जो भी दुआएँ मांगी जाती है वो कबूल होती है, और जुमा के दिन दरगाह साबिर पाक में क्या क्या होता है, और सलाम किस टाइम पढ़ा जाता है, और नमाज़ कहाँ पर होती है। तो वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी लोग नमाजी जो नमाज़ पढ़ेंगे जुमा के दिन की, तो वो सभी आ चुके हैं। ये दरगाह साबिर पाक के सराहाने का गेट है और ये सभी लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरगाह साबिर पाक के मज़ार के चारों तरफ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये अंदर जाने का रास्ता है, और ये दरगाह साबिर पाक का एक ग्राउंड है जहाँ पर गुलर का पेड़ है, वहाँ पर भी लोग नमाज ही बैठे हुए हैं। और जो गेट से लोग आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से लोग गेट से अंदर आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये दूसरा जो गुलर का पेड़ है उसके नीचे भी लोग जो है नमाज ही आ चुके हैं। और ये दरगाह साबिर पाक के लेफ़्ट वाले हिस्से में यानी कि कदमों वाली साइड में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। इसके बाद जो है नमाज़ होगी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं आपको दरगाह में जो सलाम होता है और दुआ होती है मैं उसमें आपको शामिल करूंगा। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं नमाजी कहां कहां पर बैठे हैं। तो चलिए अब नमाज होगी, पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगा। तो अब जो है नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है और अब जो है सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। मैं आपको सलातो सलाम की वीडियो दिखाऊंगा और उसमें आपको शामिल करूंगा। ये सभी लोग नमाज़ पढ़कर निकल रहे हैं, ये भी दरगाह के चारों ओर खड़े हो जाएंगे सलाम पढ़ने के लिए। तो चलिए पहले सलाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की वीडियो दिखाऊँगा और दुआ में शामिल करूँगा। तो अब जो है सलाम मुकम्मल हो चुका है और सलाम होने के बाद दुआएं होती हैं मस्जिद में। तो मैं आपको वहां पर भी लेकर चलता हूं जहां पर दरगाह साबिर पाक के पेश इमाम सभी के लिए दुआ कराते हैं। तो पहले हम दुआ करेंगे, उसके बाद की भी आगे की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम दुआ कर लेते हैं। तो फाइनली अब दुआ पूरी हो चुकी है, आप सभी के लिए दुआ की गई है। मैं वो वक्त बता देता हूं आपको जिस वक्त सभी की दुआएं कबूल होती है, जुमा के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन। तो जुमा की नमाज़ से पहले जो अज़ान होती है उस टाइम से वो वक्त शुरू हो जाता है, और मगरिब की जो नमाज़ होती है 5:30 बजे तक, तो उस वक्त वो टाइम रहता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।